चारों चटनियां तैयार हो चुकी हैं और जो घर में सामान होता है उन्हीं से हमने आसान तरीके से। वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई एक जबरदस्त सी रेसिपी, चार चटनियां, एक आलू बुखारे की, इमली की, पुदीने की और तलहर मिर्चियों की, जो जबरदस्त रेसिपी है, आप लोग को रमजान में बड़ी काम आने वाली है, इसलिए आप लोग जरूर बनाइएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, कोई टैक्स नहीं लगता, तो आप लोग कंजूसी ना करें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। हम बना रहे हैं टमाटर की चटनी, और टमाटर की चटनी के लिए हमें चाहिए पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन की कुछ कलियां, एक चम्मच जीरा और एक चम्मच नमक। नमक अब हसबे ज़रूरत डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम सबसे पहले मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूंगी। ये पुदीना डाल रही हूँ मैं। देखिए, हरा पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये चीज़ें बहुत ही अच्छी, और ये चटनी बहुत ज़बरदस्त है। ये रोटी कबाब समोसे के साथ तो खाएं खाएं, रोटी के साथ भी खाएंगे आप, इतनी मज़े की ये चटनी। चार अदद मैंने इसमें टमाटर डाले हैं। इन सब चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ा पानी, ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। इसमें मैं थोड़ी सी टाटरी शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो टाटरी ना इस्तेमाल करें, नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैं फिर थोड़ा सा फिर ग्राइंड कर रही हूँ। हमारी ये जबरदस्त सी पुदीने और टमाटर की चटनी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं, कबाब के साथ, समोसों के साथ, इसके अलावा आप रोटी के साथ भी इसे ले सकते हैं। आप रोटी के साथ इसे खाएंगे तो आप सालन को भूल जाएंगे, यकीन जाने इतनी मज़े की ये चटनी होती है। और अगर आपको कोई मैदे का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे रोटी से लेके खाएं और ये बहुत मज़े की लगेगी। मैं इस चटनी को आपको टेस्ट करके बता रही हूँ, और ये रमज़ान आ रहे हैं उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये चटनी कैसी बनी है। और मैं ये चटनी टेस्ट कर रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वाह, ये बहुत मज़ेदार चटनी बनी है। अगर कोई आपके घर में ज़ईफ है, उसके लिए नरम खिचड़ी बनाई और उसके साथ ये चटनी दें, यकीन जाने वो आपको दिल से दुआ देगा। अब हम बना रहे हैं फ्रेंड आलू बुखारे की चटनी। आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए, एक पाव मैंने आलू बुखारा लिया है, गोल्डन और नया वाला। एक पाव हमने चीनी ली है, इसके साथ हमने चार मगज लिए, इसके साथ हमने बादाम लिए, और ये हमने लिए है पिसी हुई मिर्चें, थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। आलू बुखारे की चटनियाँ जो है ये शादी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बड़े बूढ़े बच्चे सब इसे शौक से खाते हैं और ये शादी की शान बढ़ा देती है आलू बुखारे की चटनी। तो मैं आपको बता रही हूँ, आलू बुखारे की चटनी झटपट और बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से और कम चीज़ों के साथ बन जाती है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म रख दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ पानी एक गिलास भर कर। ये पानी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आलू बुखारा एक पाव है, 250 ग्राम। देख रहे हैं आप कितने गोल्डन और न्यू बिल्कुल आलू बुखारा है। ये देखें, 5 मिनट के अंदर आलू बुखारे जो हैं गल चुके हैं और पानी जो है ये जोश खा रहा है और कलर अपना इसने चेंज कर लिया है। तो हम ये मसाले डालेंगे इसके अंदर। इसको हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे। सकते हैं अब मैंने मसाला डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है। अब इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे। इसमें कोई कलर मैंने नहीं शामिल किया है, ये आलू बुखारों ने अपना कलर खुद छोड़ा है। अब चीनी के साथ हम इसे पकने देंगे। ये देखें, 5 मिनट में हमारी चीनी गल चुकी है और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बादाम। बादाम जरूरी नहीं है, अगर आप लोग के पास है तो आप लोग डाल दें तो चटनी की शान और बढ़ जाएगी।
और इसे हम इतनी देर पकाएंगे जब तक कि पानी खुश्क हो जाएगा। ये जो है 5 मिनट हो गई मगर इसका पानी जो है अभी खुश्क नहीं हुआ है। जब तक पानी खुश्क नहीं होगा हम इसे पकाते रहेंगे। ये अक्सर आप लोगों ने इस चटनी को शादियों में खाई होगी, लेकिन ये बहुत मजे की लगती है और बहुत झटपट और जल्दी से बन जाती है। तो ये रेसिपीज आपको रमजान में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि चटनियों से ही दस्तरखान की जान है। ये अब हमारा पानी खुश्क होने लगा है और चीनी अपना कलर लेने लग गई है। ये देख सकते हैं आप कि कितना जबरदस्त हमारा आलू बुखारे गल चुके हैं, और इसमें मैंने कोई कलर शामिल नहीं किया है। आप देखें कि ये कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अब इसमें ये 4 मगज जो है ये डाल दूंगी, ये भी बहुत जबरदस्त लगते हैं इसके अंदर, तो आप लोग जरूर डालिएगा और ये चटनी को आप जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये चटनी आप लोग को कैसी लगी है। तो ये 2 से 3 मिनट और मैं पका लेती हूँ, मैं चाह रही हूँ थोड़ी ये गाढ़ी हो जाए और थिक हो जाए। देखें 2 मिनट और हो चुकी है और मुझे इतनी थिक चटनी चाहिए थी। या आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त हमारे आलू बुखारों ने रंग अपना छोड़ा हुआ है, कलर दिया हुआ है इन लोगों ने अपना। बड़ी जबरदस्त ये चटनी लगती है। आप लोग दस्तरखान पे रखें, मेहमान भी खुश हो जाएंगे और आपके भी बच्चे बूढ़े घर की पूरी फैमिली आपसे खुश हो जाएगी कि आपने ये चटनी बहुत मजेदार बनाई। ये तो हम शादियों में खाते थे, ये चटनी तो हम शादियों में खाते ही, आपने घर में किस तरीके से बना ली। इमली की चटनी खट्टी मीठी बहुत जबरदस्ती ये चटनी बनती है। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने 1/2 किलो इमली है जो मैंने भिगाई थी और उसका पल्प मैंने निकाल लिया है और इसके बीज और गुठलियाँ जो है वो मैंने अलग कर दिए, निचोड़ लिए। ये निकालने के बाद ये नमक है, ये काली मिर्च है पिसी हुई, ये रेड चिली पाउडर जो हमने 1 चम्मच भर के लिया है, और ये है चीनी। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ अपना टाइम जाया किए बगैर। ये मैंने पतीला गरम कर लिया था, इसके अंदर मैं डालूंगी इमली। ये बहुत ही आसान और इजी तरीके से बन जाती है, लेकिन खाने में बड़ी जबरदस्त लगती है। इमली डाल चुकी हूँ मैं, इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई मिर्चें लाल वाली, इसमें मैं शामिल करूंगी चीनी। चीनी हम इसमें थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि खट्टी मीठी और तेज चटनी जो है बहुत अच्छा जायका देती है। ये देखिए आप पिसी हुई काली मिर्चें मैंने 1 चम्मच भर के ले ली है, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। ये बहुत आसान रेसिपियाँ हैं, बिल्कुल इजी तरीके से बन जाती है और ना कोई इसमें ज़्यादा हमने सामान डाला है। जो घर में हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं हमने उसी से बना लिया है, और रमज़ान में खासकर हर घर में इमली तो आती ही है। तो आप लोग ये चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कबाब समोसे पकौड़े इनके साथ हमें चटनी तो होना ज़रूरी है ना, तो आप लोग जरूर बनाइए। ये हम तमाम चीजों को यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। चीनी अपना पानी खुद छोड़ेगी, जब चीनी पानी छोड़ेगी और वो पानी में ये इमली पक जाएगी, हम इसमें डाल रहे हैं नमक। 1/2 किलो इमली के अंदर हमने 1/2 किलो चीनी भी शामिल की है। तो आप याद रखिएगा कि आप अगर 1 पाव की बना रहे हैं तो 1 पाव आप चीनी भी 1 पाव ही शामिल करेंगे। जितनी हम इमली लेंगे उतनी ही चीनी लेंगे, दोनों को बराबर लेके चलेंगे। ये देखें चीनी का पानी खुश्क हो चुका है और इमली का कलर कितना अच्छा आ गया है। बहुत झटपट और बहुत जल्दी से बन जाती है। तो आप लोग ये चटनियां अभी से बना के सेव कर लें ताकि रमजान का महीना आ रहा है उसमें आपको ये परेशानियां ना उठानी पड़े और ये चटनियां आपके पास। देखिए हमारी चटनी जो है ये तैयार हो चुकी है। हमें इतनी ही इसकी थिकनेस रखनी है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थिकनेस और ज्यादा हो जाएगी। अगर हम ज्यादा देर पका लेंगे तो ये बहुत ज्यादा ही थिक हो जाएगी। तो हमें इसी तरीके की चटनी को चूल्हे से उतार लेना है और ठंडा करके आप किसी भी बोतल में या किसी भी जार के अंदर एयर टाइट डब्बे के अंदर आप भर के इसको फ्रिज कर दें। ये चटनी आपकी 1 महीने तक खराब नहीं होगी। लाल तलार जो मिर्ची आती है उसकी चटनी, ये आप देख सकते हैं ये बड़े वाले और चौड़े वाले खुश्क मिर्चें
जो सूखे हुए बाजार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इसे मैंने एक कप सुरका और एक कप पानी के अंदर भिगा दिया था। ये देखें, भिगाने के बाद ये नरम हो चुकी है। अब इसमें मैं डालूंगी गुड़, सिर्फ गुड़ और इन मिर्चों से ये चटनी बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार बनती है। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैं एक पाव जितना गुड़ शामिल कर रही हूँ और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। सिर्फ मिर्चें, तलार मिर्च, सुरका, पानी और गुड़ शामिल करके मैंने इसे चढ़ा दिया चूल्हे पे। ये मैंने एक घंटे पहले भिगा दिया था ताकि ये मिर्चें जो है नरम हो जाएं। अब हमें इसे 15 से 20 मिनट इसे चूल्हे पे पकाएंगे। हमारी मिर्चियां जो है ये पक चुकी थी, मैंने आपके सामने इसमें सुरका और पानी डाल के पकाने के लिए रखा था। अब मैं इसके जो डंठल है वो तोड़ लूंगी, क्योंकि ये खुश्क होती है, उस वक्त ये डंठल तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, बड़ी आसानी से इसके डंठल निकल आएंगे और इसे मैंने ठंडा भी कर लिया है, क्योंकि साथ में गुड़ है तो ये हाथ को बहुत जला देता है अगर गर्म होता है तो इसलिए मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब मैं इसके डंठल तोड़ूंगी, इसके बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। बपर है, चॉपर में तो नहीं कर सकते आप, यार डंडे वाली मशीन आती है उससे भी कर सकते हैं और जग में भी कर सकते हैं, और ग्राइंड कर लूंगी। ये चटनी मैंने ग्राइंड कर ली है, और ग्राइंड करने में अगर आपको मुश्किल आती है और ज्यादा थिक लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा सुरका ऊपर से डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा सुरका डाला था ताकि ग्राइंड हो सके। देखिए कितनी अच्छे से ये ग्राइंड हो गई है, और ये बहुत मजे की मीठी चटनी है। यकीन जाने गोलगप्पों पे डालें, दही बड़े की चाट पे डाल सकते हैं, इससे आप बहुत अच्छा जायका और लुत्फ उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्ती हमारी ये चारों चटनियाँ तैयार हो चुकी हैं, और जो घर में सामान होता है उन्हीं से हमने आसान तरीके से बनाया है, और ये बिल्कुल इजी तरीका है। आप इन चटनियों में से कोई भी चटनी बना लें, एक महीने तक आप इसे रख सकते हैं, ये नहीं ख़राब होगी। तो आप लोग अभी से ये चटनियाँ बना लें और बना के सेव कर दें, ताकि आपको रमज़ान में इबादत करने में, काम में आप बिजी ना रहें, फालतू काम में ना लगे रहें, और आप इबादत कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। बड़े महीने आ रहे हैं, रमजान का महीना आ रहा है। देखिए आप लोग मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जिंदगी है तो सेहत का होना बहुत जरूरी है इंसान के लिए। सेहत होना, हाथ पांव का चलना, सेहतिया भी रहना बहुत जरूरी है। तो आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आप लोग के लिए दुआ करूंगी। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे और चलता फिरता रखे। और जिनके वालदैन इस दुनिया में नहीं है उनके लिए अल्लाह ताला मगफरत करे, उनके लिए भी आप लोग दुआएं करते रहें, ताकि उनकी मगफरत के साथ साथ हमारी मगफरत भी हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को अब ये चटनियां जो है टेस्ट करके बताती हूँ कि इन चटनियों का टेस्ट क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार है आलू बुखारे की चटनी, मैं टेस्ट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त है। यकीन जाने आप ज़्यादा ना बनाएं तो थोड़ी तो ज़रूरी बना लीजिए।